पेड़ लगाओ जीवन पाओ, पेड़ हमारे लिए जीवन है, ये अभियान चलाया जा रहा है पूरी दुनिया में और पूरे देश में। लेकिन दिल्ली के अंदर यहाँ के एलजी महोदय दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बिठाए गए हैं, उन वृक्षों को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं जिनसे कहा जाता है कि लोगों को जीवन मिले। 1100 पेड़ कटवा दिए, 1100 पेड़। डीडीए जिसको एलजी साहब जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उस डीडीए के अधीन आने वाली संस्था यूटीपैक वो सड़कों का नक्शा तय करती है। जो नक्शा बना था सड़क बनाने का यूटीपैक के द्वारा, डीडीए के द्वारा, वो था कि फार्म हाउसेस की जमीनों पर सड़क बनेगी। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, किस कारण से फार्म हाउसेस की जमीन पर सड़क ना बनवाकर पेड़ कटवाए गए और सड़क बनाई गई? और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कही जा रही है, ये बात दिल्ली के एलजी के बारे में जो ठेकेदार था वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कह रहा है कि दिल्ली के एलजी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और इसकी जानकारी डीडीए के अधिकारियों को थी। इसका खुलासा कौन कर रहा है? वो पेड़ काटने वाली कंपनी कहां कर रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने शपथ पत्र के माध्यम से बता रही है ये कंपनी कि दरअसल 3 फरवरी 2024 को दिल्ली के एलजी महोदय मौके पर गए थे और उन्होंने पेड़ काटने का निर्देश दिया था। इसके बाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने, वन विभाग के अधिकारियों ने जब अनुमति नहीं दी तो फिर इस ठेकेदार को अनुमति दी गई मौखिक तौर पे और तब इसने 1100 पेड़ काटे। ये शपथ पत्र देके बता रहा है कि दिल्ली के एलजी के आदेश पर ये 1100 पेड़ काटे गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के बजाय इन सारे तथ्यों को, इन सारे प्रमाण को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और एलजी के खिलाफ और जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच कराना आवश्यक है।